बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। ये बहुत इजी है, जल्दी से बन जाती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊँ। हमारे पास है चिकन, ऑयल, लहसुन का पेस्ट, धनिया, काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च, नमक, दही, 4 से 5 अदर टमाटर, अदरक पेस्ट। हम अपने चूल्हे को ऑन कर लेते हैं और इसमें डाल देंगे 1 कप ऑयल। इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा चिकन लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया। इसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 अदर टमाटर, और टमाटर मैं बड़े साइज में काटूंगी। ये थोड़े से नरम हो जाए तो इसके ऊपर से मैं इनके छिलके उतार दूंगी। ये कवर दे दूंगी ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो थोड़े से नरम हो जाए। हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं, मैं इनके ऊपर से आराम से छिलका उतार दूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, टमाटर हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, आप बाद में भी चेक करके डाल सकते हैं। काली मिर्च, मैंने नमक और काली मिर्च के अलावा कोई स्पाइसेस नहीं डाले। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च। ये पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका अपना जो पानी है वो खुश्क हो जाए, और मैं इसके ऊपर दे दूँगी कवर। मसाला हमारा आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। हमारा फाइनल टच, इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ धनिया और इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं, हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा।